नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की कहानी में। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। भाभी, आप भैया को छोड़कर अपने घर चली जाओ, मैं हमेशा के लिए यहाँ रहने आ गई हूँ। संजना के यह कहने पर कुसुम भाभी जोर जोर से हंसने लगी, जैसे संजना ने कोई चुटकुला सुनाया हो। क्या भाभी, आप भी इतनी सीरियस बात पर भी कोई हंसता है क्या? संजना झुंझला पड़ी। अभी अभी भैया आपसे लड़कर बाहर गए हैं और आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा? बुरा तो लगा, लेकिन क्या कर सकती हूँ, भाभी ने शांत स्वर में कहा। वही तो कह रही हूँ मैं कि आप अपने घर चली जाओ हमेशा के लिए, इन आदमियों को हमारी कद्र ही नहीं होगी। अब तो कुसुम गंभीर हो गई और संजना का हाथ अपने हाथों में लेकर पूछा, आज लड़ाई हुई है क्या? संजना के सब्र का बांध टूट गया, उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। आज सुबह सुबह ही राजन से लड़ाई जो हुई थी, यूं तो राजन और संजना में नोकझोंक होती ही रहती थी, लेकिन आज तो लड़ाई कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई। सुबह संजना ने राजन से कहा कि वह कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना चाहती है, तो बात इतनी बढ़ी कि राजन ने आखिर में बोल ही दिया, कुछ दिनों के लिए क्या, हमेशा के लिए मायके चली जाओ, मुझे भी हमेशा के लिए शांति मिल जाएगी। हालांकि बात गुस्से में कही गई थी, लेकिन बात तो दिल पर लगनी ही थी। राजन तो बोलकर चला गया, लेकिन यह शब्द संजना के दिल में कहीं तीर की तरह चुभ गए। संजना ने गुस्से में अपना बैग पैक किया और अपने घर की ओर रवाना हो गई। अभी दरवाजे पर कदम रखा ही था कि भाई के चिल्लाने की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। भाई किसी बात पर नाराज होकर भाभी से झगड़ रहा था। संजना को देखते ही शांत हो गया और बाहर चला गया। सारी बात जानकर भाभी धीरे से मुस्कुराई और बोली, बस इतनी सी बात भाभी। संजना कुछ कहती इससे पहले भाभी ने उसे चुप रहने का इशारा किया और बोली, मेरी प्यारी ननदिया, ये जो आदमी होते हैं ना, ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम औरतों के बिना ये कितने अधूरे हैं, लेकिन इनका अहम ये बोलते में कतराता है। इन्हें हमारी कद्र हो या ना हो, लेकिन हमें अपनी खुद कद्र करवानी होगी, कभी बोलकर तो कभी चुप रहकर, और ये हमारी समझ पर निर्भर करता है कि हमें कब बोलना है और कब चुप रहना है। संजना सब कुछ ध्यान से सुन रही थी। भाभी अब दार्शनिक अंदाज में बोलने लगी, ये जीवन एक युद्ध है, लेकिन यहाँ हमें दूसरों से नहीं बल्कि उन बुराइयों से लड़ना है जो हमारी ज़िंदगी को बदतर बना रही है। हमें यहीं रहकर अपने अस्तित्व को खोजना है और डटकर मुकाबला करना है, लेकिन मैदान छोड़कर नहीं जाना है। तुम यहाँ रहना चाहती हो तो रहो, ये तुम्हारा भी घर है, लेकिन एक बात का जवाब देना, तुम्हारे भैया का मिजाज बहुत गर्म है, कल अगर तुम्हारे भैया ने तुम्हें गुस्से में कुछ बोल दिया फिर कहाँ जाओगी? संजना गहरी सोच में पड़ गई। कुसुम ने अपना बोलना जारी रखा, घर छोड़ना, रिश्ते तोड़ना कोई समाधान नहीं है जब तक कि समस्या बहुत बड़ी ना हो। इन छोटी छोटी लड़ाइयों को अपने जीवन पर इतना हावी मत होने दो कि जीने के लिए रिश्ते ही ना बचे। अब संजना का मन शांत हो चुका था, वह राजन से बात करके अपना मन हल्का करना चाहती थी। उसने बात करने के लिए फ़ोन उठाया ही था कि व्हाट्सएप पर आए राजन के मैसेज पर नज़र पड़ी। कैपिटल लेटर में लिखा हुआ था, आई एम सॉरी। संजना के चेहरे पर एक मुस्कान दौड़ पड़ी और वो खुशी के मारे अपनी भाभी के गले लिपट गई और बोली, मेरी प्यारी भाभी। दोस्तों, ये थी छोटी सी कहानी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। गुस्से में हम रिश्तों को इतनी जल्दी ही तोड़ लेते हैं, लेकिन ये हमारा समाधान नहीं होता, उन्हें हमें आपस में ज़रूर सुलझाना चाहिए। चलिए मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ। कहानी यहाँ तक सुनने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।